फ्लिपकार्ट टोकन अमाउंट 999 रुपये क्या है? फ्लिपकार्ट लोक विद 999 रुपये। फ्लिपकार्ट पे जब भी आप लोग बिग बिलियन डे सेल में जाते हो या फिर किसी फ़ोन का प्राइस देखते हो तो आपसे दोस्तों को एक का इस अमाउंट देखने को मिलता है 999 रुपये टोकन अमाउंट, और हो सकता है आपको 9 रुपये का टोकन अमाउंट कहीं जगह पे लिखा हुआ है और कहीं जगह पे तो दोस्तों यहाँ पे 1400 या फिर दोस्तों यहाँ पे 1900 रुपये का टोकन अमाउंट लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है और करना क्या है और यहाँ पर क्या आपको ये इस प्राइस में ये वॉच मिलने वाली है एप्पल की? आप लोग देख सकते हो ये ऑफिशियली गाइस यहाँ पर एप्पल की वॉच होने वाली है। दोस्तों काफ़ी बंदे लोग ये चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या दोस्तों ये आपको वॉच है या फिर फ़ोन से 999 रुपये में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारा फंडा क्या होने वाला है, वो चीज़ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैमसंग का फ़ोन हो गया और वहीं पे फ्रेंड यहाँ पे मोटरोला का फ़ोन हो गया, कई सारे डिवाइस ऐसे हैं जिसमें आपको 999 रुपये प्राइस देखने को मिलता है, एक अमाउंट प्राइज होने वाला है। तो ये टोकन अमाउंट क्या चीज़ होने वाली है, क्या आपको इससे सच में फ़ोन मिलेगा 999 रुपये में या फिर दोस्तों इसका मतलब क्या होने वाला है, वो चीज़ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच कर लेना है। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे कहीं सारे मतलब डेली सेल आते हैं, लेकिन इन दिनों में गाइस यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल है वो चल रहा है, और ये खासकर गाइस यहाँ पे ऑफर है लोवेस्ट प्राइस लोक का फीचर से, ये आपको गाइस यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं सारे भाई लोग ऐसे हैं जो अपने फेवरेट फ़ोन को वाय करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है, आप सभी दोस्तों को प्राइस तो देखने को मिलती है, देख सकते हो यहाँ पे 9 रुपये मतलब 9 रुपये लोग प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अमाउंट टोकन अमाउंट 9 रुपये। अब ऐसी स्थिति में कहीं बंदे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हमको 9 रुपये में ये प्रोडक्ट वगैरह मिलेगा? तो आपको बताते चलें, सबसे पहले आप बिल्कुल गलत फहमी हो, मतलब गलत फहमी में आप लोग पड़े हुए हो, और जिन लोगों ने इसे अभी तक वाय नहीं किया है तो अभी आपको वाय नहीं करना है टोकन अमाउंट, पहले मेरी बात को समझना है आखिर टोकन अमाउंट 999 क्या है। अब मान लो यदि आपने वाय कर लिया है और आपने 999 रुपये लगा दिए हैं तो आपको क्या करना है ताकि आपका पैसा है वो भी लॉस्ट ना हो? तो एक्चुअली में क्या है टोकन अमाउंट का मतलब, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है गाइस, यहाँ पे आप सभी दोस्तों को सबसे पहले मैं ये मोटोरोला का फ़ोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो आपको टोकन अमाउंट की प्राइस 999 रुपये देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे बताया गया है यदि आप लोग 999 रुपये पे कर देते हो टोकन अमाउंट को, बाय कर लेते हो, परचेस कर लेते हो, तो आपको बिग बिलियन डे सेल में मतलब सेल में जो इस टाइम पे प्राइस आई हुई है, जैसे कि ये फ़ोन हो गया ठीक है ये वाला, तो इसकी प्राइस आई हुई थी, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ तो फ्रेंड गाइस यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो, कोई सा भी एक फ़ोन यार ले लेते हैं ठीक है, जैसे ये डिवाइस है, इसका जो प्राइस है आप सभी दोस्तों को बिग बिलियन डे सेल में 36,999 रुपये देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है। और इस टाइम पे इसका जो प्राइस होने वाला है, जो आप लोग फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, 47,999 रुपये का प्राइस है, और आपको सेल में यहाँ पे प्राइस में आप लोग अच्छे से मतलब देख ही पा रहे होंगे, मेरे को लगता है यहाँ पे लिखा हुआ है 47,999 रुपये, इसकी एक मार्केट प्राइस है ठीक है। अब जो क्या होगा, सेल आएगा ना तो उसमें आपको 36,999 रुपये का मिलेगा फ़ोन। अब मान लो यदि आप लोग 999 रुपये का टोकन परचेस कर लेते हो, टोकन अमाउंट ले लेते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेल आएगा, सेल आने के टाइम पे जो आपका प्रोडक्ट है उसका वही प्राइस रहेगा, मतलब आपको उसी प्राइस में मिलेगा, आप लोग उसी प्राइस में बाय कर पाओगे ठीक है। उसके बाद में जो प्राइस यहाँ पे है, एक्चुअली में होता क्या, सेल जब भी आती तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, 10 मिनट 5 मिनट के अंदर बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ता है, क्योंकि ये प्राइस है ना ये 47,999 तक कवर कर देता है 3-4 दिन में ठीक है, मतलब उसी लाइन पर आ जाता है। अब जो बंदे लोग क्या होगा, लोवेस्ट प्राइस जो लोग वाय कर रखे होंगे टोकन अमाउंट 999, तो उनको ये मतलब ऑफर मिलेगा कि उन्हें 48 घंटे के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 48 घंटे के अंदर आप लोग फ़ोन को सेम उसी रेट में बाय कर पाओगे जो रेट आपको गाइस यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल में आपको देखने को मिल रहा है 36,999 रुपये ठीक है। और हर
प्रोडक्ट का अलग अलग रेट होता है, ठीक है। अब ये हो गया बात। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है, आप सभी दोस्त लोग देख सकते हैं, आप यदि आप लोग लोग प्राइस का फीचर्स ले लेते हो, बाय कर लेते हो, तो आपको बताते चलें अर्ली एक्सेस प्लस उसके बाद में जो एक सेल सेड है, मतलब 26 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप लोग इसे यूज कर पाओगे रात तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कैंट चेंज एड्रेस प्रोडक्ट साइज कलर अदर, मतलब यहाँ पे ये बताया गया अगर आप लोग कोई भी चीज़ चेंज करते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट विल बी फ्रोसिट विल बी रिसोर्ट द, मतलब ये बोल रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट वो चेंज नहीं कर पाओगे, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं एक बार गाइस यहाँ से इसको हिंदी में करके भी आपको बता देता हूँ। तो कलर या फिर प्रोडक्ट साइज वगैरह रेम वगैरह चेंज करते हो, फ़ोन का कलर वगैरह, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार अरिच्छित होने के बाद उत्पादन निवेदन या डिलीवरी जानकारी में कोई भी पर्यावर्त संभव नहीं होगा, मतलब आप लोग कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर पाओगे, ये काफ़ी पॉइंट की बात है। टोकन यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जब आप टोकन राशि का भुगतान करोगे तो हम आपके लिए स्टिच उत्पाद की सुरक्षित आरक्षित कर देंगे, मतलब यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि ये फ़ोन है, ठीक है। अब मान लो आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट इसे बाय कर लेते हो ना, तो आपको यही फ़ोन मिलेगा और यही रैम मिलेगा, ठीक है। अब मान लो ऐसे इसे बाय करने से पहले आपको एक काम करना है, सबसे पहले फेवरेट अपना कलर सबसे पहले आपको मतलब चॉइस कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे रैम भी सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको एड्रेस अपना करेक्ट डालना है सही, उसके बाद में आपको इसे बाय करना है। यदि आप लोग पहले बाय कर लेते तो आपका पैसा मतलब समझ सकते हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है आप सभी दोस्तों को अदर डिस्काउंट, आपको कार्ड डिस्काउंट वगैरह वगैरह काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। और यहाँ पे बताया गया है आप सभी दोस्तों, यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है अदर डिस्काउंट, जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कैशबैक मिलेगा, आठ मतलब ऑल कार्ड आपका अवेलेबल होगा, MI ऑफर भी आपको मिलेगा। एंड उसके बाद में गाइस आप सभी वाले लोग वाई करने के बाद में गाइस आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है नोट रिफंडेबल, जब आप लोग टोकन को परचेस कर लोगे वो आपका टोकन है, रिफंड नहीं होगा। आप लोग चाहो कि हाँ टोकन हमारा 999 रुपये वापस आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है द टोकन अमाउंट विल बी ऑब्जेक्ट इन दैट फाइनल प्राइज, अब जो भी आपका फाइनल प्राइज होगा जिसमें आप लोग फ़ोन को परचेस करोगे उसी में ये आपका टोकन अमाउंट है प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, टोकन अमाउंट 999 क्या है, टोकन अमाउंट 9 रुपये क्या है, टोकन अमाउंट 449 रुपये क्या है, या फिर टोकन अमाउंट 2019 से 99 रुपये क्या है, ये इसका यही मतलब होने वाला है। अब मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ गए हो, और यदि आप लोग चाहें तो इसे रिफ़ंड लेना, आपको रिफ़ंड कैसे मिलेगा, तो इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ में गाइस यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट से जुड़ी या फिर किसी प्रकार की जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी का ऑप्शन आएगा ऑल पे सेट करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है मैं वीडियो बना के तुरंत आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।